नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे पिक्चर ट्यूब से रिलेटेड फॉल्ट जो कि इस समय मॉइस्चर की वजह से आते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न है, इसलिए जो है प्रॉब्लम सीआरटी से संबंधित ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे जहाँ पे इसके जो ESD के कैप लगे होते हैं, यहाँ मॉइस्चर आ जाते हैं और यहाँ नमी के कारण हमारे अक्सर देखे हैं कि गन भी स्पार्क हो जाते हैं इसके। तो इसको देखते हुए हमने जो है यहाँ पे कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी था कि जैसे कुछ देर बाद पिक्चर क्लियर होता है और हम कई बार सीआरटी बेस को चेंज करते हैं, फिर 10 दिन बाद 1 हफ्ते बाद जो है वो रिटर्न आ जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बार बार होता है और सीआरटी बेस को हमको कई बार चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में एक सोल्यूशन बहुत ईजी तरीके से बताएंगे, क्योंकि आप देखते होंगे इस फोकस के पिन पे अक्सर कार्बन आ जाते हैं और कैथोड के पिन पे भी कार्बन आते हैं और ग्रिड पे भी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसके इंटरनल भी हैं जो कि वो हमको मेरी आँख देख नहीं पाती। इस वजह से हम आपको इस जगह पे एक ऐसा इजी सोल्यूशन बताएंगे, आप एक ब्लेड लीजिए, उसे आधा तोड़ के और इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए गम को जो है काट के उसके बाद ब्लेड का जो नोक है उसे इन करिए अंदर, और इसे दबाते हुए यानी इन करके दबाते हुए ऐसे घुमाइए सीआरटी को, या ब्लेड को ऐसे घुमाते हुए जाइए तो आप देखेंगे आसानी से ये जो है निकल जाएगा, यानी जो गम है अंदर वो कट जाएगा। और ये कटने के बाद, क्योंकि ये स्थिति इसकी बहुत नाजुक होती है जो कि सबसे लास्ट में है, अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास का देखे होंगे एक एरिया निकला होता है जो कि आप इस सॉकेट से ढका हुआ है, लेकिन अभी ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे तो वो बहुत नाजुक होता है, क्योंकि जब हमारा हाथ झटके से लगता है तो सबसे पहले यहीं पर जो है ग्लास ब्रेक होता है। तो इसको हमको बहुत बचा के निकालना है, कि सबसे नाजुक जो है ये एरिया ही है इस पिक्चर ट्यूब का। तो यहाँ बहुत ही आराम से और आसानी से इसे जो है ओपन कर लेना है इस तरीके से। अभी आगे हम और बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आप इसे जब क्लियर करिएगा ऐसे, तो इसको ऐसे ऊपर से उठा लीजिए किसी तरीके से, फिर चारों तरफ से हल्का हल्का उठाते जाइए उठाते जाइए, और उठाएंगे ऐसे तो आराम से निकल जाएगा। कोई कोई थोड़ा सा ही लगा रहता है वो आसानी से निकल जाएगा, कहीं कहीं ज़्यादा लगा होता है। अभी हम जहाँ पे अधिक लगा हुआ है उसके बारे में भी आप आगे आपको दिखाते हैं कि उसके लिए क्या करना है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखें ये जो फोकस के पिन है और कैथोड है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं एक लेंस लेकर कि इस पर एक लेयर चढ़ा होता है पिनों पर, वो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि साफ़ है लेकिन वो क्लीन नहीं रहता, उस वजह से भी जो है पिक्चर हमारे बहुत डिस्टर्ब आते हैं और हम इस पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये काम आप करिएगा क्लीन करके, थिनर लगा के, और इसे जो है आप ब्लेड से या किसी से एकदम क्लीन करके और एक मॉइस्चर का ऑयल वहाँ पर लगा के, और इसके बाद इस कैप को पहना देना है, यानी ये पिन की जो सॉकेट है इस पे डाल देना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इस सॉकेट को भी जो है आपको क्लीन करना है, क्योंकि इसके होल में लगे हुए कार्बन ये दोबारा फिर से पिन पे चढ़ जाएंगे, इसको देखते हुए आपको इसको एकदम क्लीन करके और फिर इसे पहना देना है। और इसे लगाने के बाद आपको देखेंगे कि काफ़ी दिनों के लिए ये फुर्सत मिल जाएगा। और सबसे नाजुक जो है यहाँ पे ये एरिया है, ये अगर यहाँ पे जैसे ज़रा सा भी अगर वो लगता है तो ये इसी तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यानी हमारे हाथ से कभी कभी अचानक झटके से या कहीं हाथ लग गया तो ये अक्सर टूट जाते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें, यहाँ पे एक और काम आपको करना है, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे जो है ये फोकस का पिन है इन अंदर, अब आपको अगर इसमें कार्बन लगा हो, क्योंकि इसी वजह से जो है अक्सर आपको देखने को मिलता है कि बार बार हमारा जो है आधे घंटे बाद पिक्चर क्लियर होता है और 10 मिनट बाद क्लियर होता है, कभी कभी 1 घंटे बाद क्लियर होता है, यही फोकस का पिन है जो एक अलग उसका गैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइप से पूरा चिपकाया हुआ है कि ये किसी तरीके से ऐसे निकल नहीं सकता, अगर आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो ये पिक्चर ट्यूब टूट सकता है, इसलिए इसी ब्लेड को यहाँ पे ऐसे जैसे ऐसे देखिए चिपकाया हुआ है और इसे ऊपर से आप ऐसे निकाल दें, ये मत सोचिए कि ये नहीं निकलेगा बहुत ज़्यादा चिपकाया हुआ है, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ निकालने पे ध्यान देना, इस
इस एरिया को ऐसे जो साफ करके और आपको ब्लेड जैसे बताए हैं आगे, इसी तरीके से यहाँ पे किसी तरीके से इन करके ऐसे दबा के और यहाँ पे आपको दिखा दें ऐसे। जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं जानते जैसे नए हैं तो कई लोग इसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उनके लिए एक आसान इजी आइडिया बताते हैं। क्योंकि इस समय मॉइस्चर में का समय है बरसात की वजह से, तो अक्सर ये फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसे बहुत आसानी से निकाल कर आप क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के लिए जैसे हमारे ये पिन है यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पिनों पे जो है अक्सर कार्बन लग जाते हैं। किस किस पिन पे लगा हुआ ऊपर से आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो लगे हैं वो आप नहीं देख सकते हैं। और कई इंटरनल हमने जो है सीआरटी के बेस को ओपन करके देखा है कि उसके अंदर भी कार्बन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से यहाँ पे कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब आप क्लीन करिएगा, खूब अच्छे से साफ़ करिएगा, तो ये आपकी पिक्चर की क्वालिटी ये चेंज हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम बार बार आते हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी रिपीटिंग का फॉल्ट। और ये एक बात और है कि जब इसे आप क्लीन करके, तो उसके बाद आपको नया सीआरटी बेस लगाना है, वो जो इसके साथ लगा था उसे भी इसके साथ में चेंज कर देना है, यानी साफ़ करके और जो सीआरटी बेस को दोबारा नया लगा देना है। इससे आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते, हो सकता है दोबारा रिपीटिंग आ जाए, लेकिन ज़्यादातर बहुत काफ़ी दिनों के लिए ये फुर्सत मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस कैप को भी साफ़ करके ज़रूर लगाइएगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा अगला पार्ट वो ESD से रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो थैंक यू दोस्तों। और जो लोग इस मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो देख रहे हैं, और जिस पर्पस से वो सब्सक्राइब किए हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि इससे रिलेटेड जो उनका उद्देश्य है उस पे हम बहुत जल्द से जल्द, जैसे एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, ये सब के ऑप्शन इतना इजी तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा वेट करिए और हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जैसे सीआरटी का बता रहे हैं, वैसे एलसीडी, एलईडी और इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, आरडीओ सिस्टम, ये सब आपको जो है सोलर कैसे काम करता है और सोलर एनर्जी के बारे में, और उससे रिलेटेड हमारा कौन सा इन्वर्टर अच्छा है और कौन सा इन्वर्टर हमको यूज़ करना चाहिए, ये सभी के बारे में आपको जो है टेक्निकल जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।